हेलो एवरीवन, आज की कविता है कन्यादान और रचयिता है ऋतुराज जी। यहाँ पर कवि कहता है कि माँ ने अपना जीवन जीते हुए अनेक दुखों को भोगा था और इसीलिए इस कविता में लड़की की माँ की भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। कैसे किया है? कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर जब बेटी की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है और बेटी बहुत समझदार भी नहीं है, उसने अभी दुनियादारी को नहीं समझा है, तब उसकी माँ चिंतित होकर के कह रही है, दुखी होकर के कह रही है, क्योंकि वो अपनी बेटी को दान में दे रही है और उसकी बेटी जो है उसके लिए अंतिम पूंजी के समान है। यहाँ पर माँ समझती है कि उसकी बेटी अभी इतनी चालाक नहीं हुई है कि दुनिया के जो भेदभाव हैं, खासकर बेटियों के साथ जो उनकी ससुराल में भेदभाव होता है, उसको वह समझ नहीं पाई है। माँ के दुखों को कवि ने प्रामाणिक माना है। क्यों है वो प्रामाणिक? क्योंकि माँ ने अपने जीवन में जो दुख सहे हैं, वह नहीं चाहती है कि उसकी बेटी भी वही दुख सहे। और यहाँ पर लड़की का दान जो है, इससे मीनिंग क्या है कि लड़की का विवाह। काफ़ी समय से हमारे देश में परंपरा चली आ रही है कि विवाह के समय कन्यादान किया जाता है और जब लड़की की शादी हो रही है तो वह बहुत सीधी साधी है, उसको दुनियादारी का पता नहीं है, दुखों का अनुभव उसने कभी किया ही नहीं है और इसीलिए दुखों की भयानकता को समझना अभी उसे नहीं आता है। उसके बाद कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठी खाती वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहता है कि अभी लड़की इतनी शयानी भी नहीं है क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है और इतनी भोली और सरल है कि बस उसे केवल यह पता है कि ज़िंदगी के सुख क्या होते हैं, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता, यानी दुखों को पढ़ना उसे नहीं आता है। वह तो केवल धुंधले प्रकाश की पाठिका है, यानी कि अभी उसने संसार को देखा नहीं है। संसार में कितनी तकलीफ है, कितने दुख हैं, उसे अभी इस बात का पता नहीं है और दुखों की भयानकता का भी उसे समझ नहीं है कि कितने भयानक दुख संसार में उसके सामने आने वाले हैं जब वो गृहस्थी का जीवन जिएगी। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जो विवाह से पहले लड़की को परिवार में जो पहले ही सामान्य ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाता है, जिसमें दुखों की मात्रा होती ही नहीं है और दुख बहुत कम होते हैं, तो लड़की केवल सिंपल सी है, दुखों की भयानकता वह समझती नहीं है। पाठिका लड़की को इसलिए कहा है कि जीवन के सामान्य ज्ञान को वह अभी प्राप्त कर रही है। यहाँ पर पाठिका क्यों कहा है धुंधले प्रकाश की उसे? क्योंकि अभी उसने जीवन का सामान्य ज्ञान जो है उसे पूरा नहीं पढ़ा है और अभी वह पढ़ रही है। किसको पढ़ रही है? जीवन के ज्ञान को, जीवन के दुखों को उसने अभी पढ़ना शुरू ही किया है। और माँ सोचती है कि ससुराल जाकर के कहीं वह शोषण का शिकार ना बन जाए और अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर के झूठ का शिकार ना बन जाए, यही चिंता जो है पूरी कविता में माँ व्यक्त करती है। अगली पंक्तियों में फिर वह कहता है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। कहती हैं माँ क्या कहती हैं कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, कभी भी अपनी सुंदरता के लिए। जब कोई आपको सुंदरता की प्रशंसा करे और उसके भ्रम में आपको फंसाए तो ऐसा कभी भी मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने की नहीं। आग किस लिए है? यहाँ पर रोटियां सेकने के लिए आग को बताया है। आग के विषय में
बताते हुए माँ के हृदय में बेचैनी और पीड़ा जो है वह दिखाई दे जाती है कि कहीं ससुराल में जो है वह पीड़ा का शिकार ना बन जाए। एक तरफ उसे यह भय भी लगता है कि कहीं दहेज के लालची उसे आग में ना झोंक दे। तो यहाँ पर एक माता के भीतरतम की जो पीड़ा है वह इस पोएम में आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगी बच्चों। उसके बाद देखिए कि माँ क्या सोचती है कि कहती है कि जलना मत, जलने के लिए नहीं है आग। हाँ तुम घर के सब काम कर देना, रोटियाँ भी सेकना, लेकिन उसमें तुम खुद को मत जला लेना। यहाँ पर माँ की चिंता जो है बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखेगी। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कहते हैं कि जो सुंदर सुंदर तुम्हें वस्त्र मिलेंगे, तुम्हें गिफ्ट्स मिलेंगी, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं केवल भ्रम हैं। नारी जीवन को भ्रम में डालने के लिए तरह तरह के वस्त्र और आभूषणों से उसे सजाया जाता है और ये धोखे हैं। किस लिए धोखा दिया जाता है? ताकि उसे बांध दिया जाए। और ये स्त्री जीवन का एक बड़ा बंधन है। यह संसार निर्मम है, यानी इसमें कोई दया नहीं है, इसलिए इसे भली भांति समझ करके अपने ससुराल के जीवन को जीना। यहाँ पर भी माता का स्पष्ट जो है उसे शिक्षा देना जो है यहाँ पर आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। और आग और पानी जीवन के प्रतीक हैं। देखिए दोनों चीज़ें जो हैं, आग भी पानी भी, जीवन देने वाले भी हो सकते हैं और लेने वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों में विरोधाभास जो है उस आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। फिर माँ कहती है, माँ ये कहती है कि माँ देखो यहाँ पर कहती है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यानी कि अभी वो अंतिम शिक्षा दे रही है, अल्टीमेट जो कह रही है कि भाई तुम लड़की तो हो, लड़की हो जाना, माँ ने कहा लड़की होना, लेकिन लड़की जैसा कभी भी दिखाई मत देना। क्यों? क्योंकि हमेशा तुम्हें जिंदगी के जीवन के तुमसे दुख दूर रहें, इससे माँ कहती है कि संभल करके रहना, सदा सचेत बने रहना, और जो समाज में परिवर्तन आएंगे तुम्हारे सामने उसको समझ करके अपने जीवन के निर्णय लेना। क्योंकि तुम लड़की हो लेकिन कभी भी कमज़ोर अपने आप को मत बनाना, लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी कमज़ोर मत समझना ताकि कोई तुम्हारा शोषण ना कर सके। यहाँ पर लड़की की माँ कहती है कि लड़की की तरह होना तो चाहिए लेकिन उसका व्यवहार जो है कमज़ोर नहीं होना चाहिए, लड़की के जैसा उसे दिखाई नहीं देना चाहिए। और वह कहती है कि विवाह के बाद घर के सारे काम तो करेगी लेकिन शोषण का शिकार नहीं बनेगी। और माँ चाहती है कि वह किसी भी अवस्था में अपनी स्वतंत्रता ना खो बैठे, उसका शोषण ना करवाए अपना, सभी काम करे लेकिन इजीली करे, शोषण करते हुए नहीं करवाए। यहाँ पर लड़की होने से क्या तात्पर्य है? यानी भोलापन, सरलता, कोमलता और समर्पण आदि के भावों को बनाए रखना है, इनको सहेज कर रखना है, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। क्यों मत दिखाई देना? कि वह नहीं चाहती है कि जैसे उसने कष्ट उठाए हैं अपनी ससुराल में, वैसे ही लड़की भी उसकी पीड़ा का शिकार ना बन जाए। और उसे डर भी है कि लड़की कोई आग में ना झोंक दे। यहाँ पर कवि ने नारी को सचेत किया है माँ के रूप में, कवि ने समाज के आधुनिक रूप के प्रति नारी को सचेत किया है कि समाज के व्यवहार के प्रति उसे हमेशा जागृत रहना चाहिए। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है और माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, इसमें एक संकेतिकता जो है संकेत किया जा रहा है, यानी कि तुलना की जा रही है शीशे से पानी को में झाँक कर। तो यहाँ पर छंद जो है, छंद का प्रयोग जो है, इसकी बात हम अगर करें तो छंद रहित अभिव्यक्ति है, इसमें किसी प्रकार के छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। और इस प्रकार से आज मैंने आपको यह जो कन्यादान की कविता है जिसमें युगों से नारी को हे ही समझा जाता है, यानी
ही दृष्टि से उसे देखा जाता है। पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों को ही श्रेष्ठ माना जाता है। और लड़की जो है ससुराल जाती है तो एक माँ जो है कन्यादान करते वक्त क्या उसे शिक्षा दे रही है, और यही इस कविता में भाव व्यक्त की है कवि ने। थैंक यू।